अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, डेट इज़ द सेकेंड पार्ट। अब इसमें हमने जब लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट की थी तो हमने वहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तक की बात की थी, और वो हमने क्या की थी कि 100 रुपये पे आपने 20 रुपये, 20% आपको रिस्क के चांसेस हैं, तो आप $20 नहीं रखेंगे, आप $20 के ऊपर चेक करेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी है, 9%। तो 20 का 9% लेंगे, डेट इज़ 1.8। तो हर 100 रुपये देने पे 1.8 इज़ अ एडिक्वेट कैपिटल डेट यू शुड मेंटेन एज अ रिजर्व। ठीक है, ये सारी हमारी कहानी आ गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि सर वो जो कैपिटल आप बार बार कह रहे हैं कि जिसको कंपेयर करना है विद द रिस्क वेटेड एवरेज, उसके दो पार्ट्स बना लेते हैं। एक का नाम रखते हैं टीयर वन, दूसरे पार्ट का नाम रखते हैं टीयर टू। सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब इन दोनों का फ़र्क आप समझ लें, बहुत ही आसान फ़र्क है। टीयर वन क्या होता है? एक वो कैपिटल के पार्ट्स वो एसेट्स जो आप कहें कि सर दे कैन ईजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश, या जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो। अब मैं कहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो। हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की। अब इससे पहले कि सारे मार्केटेबल सिक्योरिटी पे ही परेशान हो जाए, तो मैं कहूँगा कि ए कंपनी है, उसका शेयर है, तो जब वो ए कंपनी का अपना शेयर उसके लिए इक्विटी है, लेकिन ए कंपनी अगर बी कंपनी का शेयर परचेज करेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ए कंपनी जब बी के शेयर को परचेज करके अपने पास रखेगी, अब बी के शेयर को इक्विटी नहीं कहेगी, बी के शेयर को वो मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से जानती है। ठीक है, हमारे वो तमाम एसेट्स जो कि हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी आसानी से लिक्विडेट होती है, आपके पास स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है, आप जाके आपके शेयर को सेल कर दें। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अपनी रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? पिछले साल का कुछ पैसा हमारे जो हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा हुआ था, वो रिटेन्ड अर्निंग इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। फिर हमारे कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको क्या कहेंगे हम इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, आप कहते हैं कि सर आई कैन ईजिली कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू कैश, तो वो आपका लिक्विड एसेट है। तो वो तमाम एसेट्स टीयर वन का पार्ट बनेंगे, या वो तमाम कैपिटल टीयर वन का पार्ट बनेगा जिस जो लिक्विड है, लिक्विडिटी जिसमें बहुत ज़्यादा है, आसानी से कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा। ठीक है, और हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, या वो एसेट्स हों जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ नीड यू विल बी एबल टू हैव द कैश इन योर हैंड। आपके पास पैसा होगा, कैश अवेलेबल होगा, आप आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को डील कर सकेंगे, कोई भी रिस्क और या कोई भी परेशानी आएगी तो पैसा आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, इसके कंपैरिजन में टीयर टू का कॉन्सेप्ट आता है कि टीयर टू क्या होता है सर? फिर टीयर टू इज़ बेसिकली ऑल दोज एसेट्स डेट आर लेस लिक्विड, जिनके लिए आपको कहें कि सर ये इस पर ज़रा टाइम लगेगा, कन्वर्ट तो हो जाएंगे, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे लैंड, जैसे मशीनरी, हैं तो ये भी कैपिटल, हैं तो ये भी एसेट, लेकिन वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू से दैट दे आर मोर लिक्विड। इन पे कुछ टाइम लगेगा, इन पे कुछ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, जब हमने फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ा था तो वो कहा था कि ये हाउस आपके पास अवेलेबल है, बट सॉरी सर वी आर अनेबल टू सेल द हाउस एंड वी कैन नॉट कन्वर्ट द हाउस इनटू कैश। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, आपने कहा कि सर हमारे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम कैश आ रहे, यानी ये टीयर टू का पार्ट, ठीक हो गया। तो ये डेट इज़ अ मेजर डिफरेंस। और अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो नो डाउट टीयर वन इज़ मोर लिक्विडेट देन टीयर टू, नो डाउट डेट टीयर वन इज़ मोर फ्रूटफुल देन टीयर टू, नो डाउट टीयर वन इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज़ कम्पेयर टू टीयर टू। तो टीयर वन हमेशा आपके लिए एज द इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टीयर टू वाले कैपिटल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करता हूँ कि सर ये है कैपिटल, और जो एसेट जिनमें रिस्क है कौन कौन सा, मार्केट, ऑपरेशनल एंड क्रेडिट रिस्क, तो उन रिस्क वेटेड एवरेज के साथ कंपैरिजन को कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकालने रेशो कहेंगे। ठीक हो गया।
नाउ द क्वेश्चन, एक और छोटी सी बात जो आपके को परेशानी से बचा लूँ, कि आपको पेपर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालनी ही नहीं है। आप ये ना टेंशन लें कि सर आप हमें कह देंगे कि सर मुझे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल के दिखाओ, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम कैपिटल अपने जो पैसे जेब में है उससे कंपेयर करेंगे कि अगर मुझे नुकसान हो जाए तो मेरे पैसे इस काबिल हैं कि मैं उस नुकसान को बियर कर सकूँ या नहीं, बस ये है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक हो गया। अच्छा, इसी कैपिटल को मैं डिवाइड, वही दोबारा कह देता हूँ कि इस कैपिटल को मैं लिखता हूँ टीयर वन प्लस टीयर टू विल बी कंपेयर्ड विद रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे रेशियो की जगह एसेट्स लिखने हैं, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अच्छा सर, अगर आप ये कर रहे हैं, क्या हम टीयर वन परसेंटेज निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, यही की यही सेम परसेंटेज, यही की यही सेम कंपैरिजन है, लेकिन हमने वहाँ पे क्योंकि टीयर वन परसेंटेज निकालनी है तो टीयर टू नहीं लिखेंगे। अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जगह टीयर वन परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्कस करूँ, टीयर वन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है या टीयर वन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में टीयर वन एस कैपिटल विल बी कंपेयर्ड विद रिस्क वेटेड एसेट्स, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। टोटल कैपिटल की जगह या इन दोनों की जगह आपने सिर्फ टीयर वन को लिखा और उसे रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ कंपेयर कर लिया तो ये टीयर वन रेशियो निकल आई। फिर टीयर सर क्या हम टीयर टू रेशियो निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं, सिर्फ टीयर टू वो एसेट जो आपको लगता है लेस लिक्विडेट हैं या लेस लिक्विड हैं आपके लिए, उसको कंपेयर कर लें विद रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ, आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो टीयर वन रेशियो निकालने को कह दिया जाए, निकालने को मैं कहूँगा नहीं वैसे आपको, टीयर वन रेशियो आप कंपेयर करेंगे विद रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ, टीयर टू अगर हो तो टीयर टू विल बी कंपेयर्ड विद रिस्क वेटेड एसेट्स, दैट इज़ बेसिकली द क्या कहते हैं इसे टीयर टू रेशो, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं अपने उस बात के ऊपर कि सर ये तो ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, तो आप हमें ये बता दें कि बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री अब क्या है। तो ये एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट्स का नाम बेसल वन, बेसल टू एंड बेसल थ्री है, ठीक है। अब कुछ बेसल वन की बात अगर हम की जाए तो कुछ ड्यूरेशन में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं एग्जैक्ट डेट्स आपको नहीं बता रहा, मैं कहता हूँ कि 1990 से लेकर 2000 तक हमने ना बेसल वन को फॉलो किया, उसमें जो जो चीज़ें डिसाइड की वो हमारी की। 2001 में हमने रियलाइज़ किया फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या कोई प्रॉब्लम्स आने लग गई मार्केट में, हमने कहा कि नहीं ये अब काम का नहीं चलने वाला, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसकी कोई इम्प्रूव्ड फॉर्म आनी चाहिए या कोई बेहतर अच्छी फॉर्म आनी चाहिए। तो हमने इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट दिया, हमने बेसल टू का कॉन्सेप्ट दिया, वो हमने चलाया 2000 से लेकर 2010 तक। लेकिन बाद में हमें पता चला नहीं सर इसमें भी अपडेशन आनी चाहिए, यह वही है ना, हम कोई गेम खेल रहे हों या कोई नया सेट लेते हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें मूव करना पड़ता है, हम कहते हैं नहीं यार अब ये इसका अवेल नहीं रहा, अब हमें कोई और चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। बेसल टू के अंदर कुछ चीज़ें जो आई जो हमें बाद में लगा कि नहीं यार ये 2000 ये हमने 10 साल तो चला ली, ये मैं एग्जाम्पल ये ईयर्स में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो हम फिर बेसल थ्री पे चले गए। तो बेसल थ्री इज़ बेसिकली अब इस वक्त जो लेटेस्ट जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जो एकॉर्ड या जो आपका क्या कहते हैं एग्रीमेंट या जो पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं वो बेसल थ्री की जाती हैं, ठीक है। पॉलिसीज में फ़र्क क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है कि इस इनके अंदर ना बेसल वन में खैर बिल्कुल भी नहीं था, बेसल टू के अंदर ना कुछ और चीज़ें भी ऐड हुई इन तीनों के अंदर। आप के लिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, इसे समझो, इन तीनों के अंदर हमारा मेन काम CAR का ही था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के साथ का ही था, तीनों में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हमने बेसल टू में आए, बेसल टू के अंदर हमने कहा कि सिर्फ एडिक्वेसी रेशो, एडिक्वेसी रेशो, एडिक्वेसी रेशो इज नॉट इनफ फॉर यू टू परफॉर्म द एक्टिविटी, आप कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दें, और उन तीन चीज़ हमने फिर तीन चीज़ें ऐड की जिन्हें पिलर वन, पिलर टू एंड पिलर थ्री का नाम दिया गया, ठीक हो गया, पिलर वन, पिलर टू एंड पिलर थ्री का नाम दिया गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पिलर्स क्या होते हैं, इन पिलर्स के ऊपर जो हमारी डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में होगी, तो इंशाल्लाह कल तक आप लोगों को ये जो आपने टॉपिक्स देखे हैं इनको आप ज़रा देखें,
इनमें कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं आपको बार बार एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि बेटा अब जो ये वीडियोस चल रही हैं, अब जैसे पहले वाली वीडियो मैंने आपको, जो सबसे पहले वाली वीडियो करवाई थी, उसमें हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी, बर्ड इन हैंड थ्योरी, और जो है ना दो और थ्योरीज भी थी मेरे जहन में, से नाम नहीं आ रहा, तो वो उस पे डिपेंड। फिर उसके बाद हमने ये पिछले हफ्ते की जो सारी वीडियोस की हैं वो हैं, ये वाली वीडियो की है। बेटा जो वीडियोस चल रही हैं ना, ये वीडियो ऑल इन ऑल विल बी द पार्ट ऑफ योर पेपर, तो इन वीडियोस को वेटेज नहीं। ये जो बुक मेरे, ये जो आपके सामने आपको ये कॉपी नज़र आ रही है, या जो इसे आप था ये नोट पैड नज़र आ रहा है, मैंने पेपर वाले दिन इसी नोट पैड को उठाना है कि इसके अंदर मैंने जो सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं आपको, जो आपसे वीडियोस में, क्योंकि यही डिस्कशन होगी, इन्हीं से मैंने पेपर बना देना है, तो इन्हें आप समझें। और बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते, तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन किया करें, आपके फ़ायदे की बात है। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू यू, अल्लाह हाफिज़।